सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ वे खैरात में मिलेंगी। उच्च विचार वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए और 2,00,00,000 काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज का पंचांग 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:28 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र सुबह 9:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 2:23 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार, अगर आप शत्रुओं या मुकाबले से परेशान हैं तो अब ब्रेक लेना समझदारी है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय उचित है। अभी आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। चिंताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करें, भविष्य में अच्छे दिन आपके होंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज का दिन शुभ है। आलस छोड़ दें और अपनी गलतियों से शिक्षा लें। आप में से कुछ थका हुआ और सुस्त महसूस हो सकता है, याद रखें एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप पिछले कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हैं। अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ अपनी भावनाएं बांटिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ये सारी भावनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए है। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी, आप अपनी आत्मविश्वास तथा सूझबूझ द्वारा परिस्थितियों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई व करियर को लेकर की गई मेहनत के अच्छे नतीजे हासिल होंगे। परिवार के लोगों के साथ प्रेम के साथ पेश आए, हर एक बात में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पैसों के आवक और जावक में भी संतुलन बनाना होगा, वरना नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। करियर से संबंधित निर्णय हड़बड़ी में ना लें, वरना पछतावा हो सकता है। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों के कारण आपका विश्वास कम हो सकता है। लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। आपको अपने व्यवसाय और अन्य उपक्रमों से लगातार लाभ और मुनाफा प्राप्त होता रहेगा। आप अपने अधीनस्थों के समर्थन का आनंद लेंगे, साझेदारी भी स्थिर रहेगी। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद ही आप मौजूदा शत्रुओं को पराजित कर पाएंगी। आज कई क्षेत्रों में समस्याएं दिखाई दे सकती है, आपकी सेहत की स्थिति बिगड़ सकती है और आप भावनात्मक रूप से परेशान भी हो सकती हैं। आपको अपने मन को शांत बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दिन आपको चारों तरफ से खुशी दे सकता है। व्यावसायिक रूप से आप सक्रिय और सतर्क रहेंगे। ज्ञान और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोशिश करें। विदेशी संपर्कों से आर्थिक लाभ संभव है। आप व्यवसाय की यात्रा कर सकते हैं। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है और इसीलिए आप व्यवसायिक जीवन के संबंध में नई योजनाएं बना सकती हैं। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। आज आपको अपने शब्दों के चयन के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। पारिवारिक और व्यवसायिक रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है।
सावधानियाँ। दोस्तों अथवा बाहरी लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी योग्यता पर भी विश्वास रखें। रिश्ते को बचाने के लिए अपने व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आप ऐसे मोड़ पर आप आ चुके हैं जहां आपको अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका साथी आपकी आंखों की भाषा भी समझ लेता है। अपने मनमौजे रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। दुश्मनों के साथ विवाद या बधाएं आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके आसपास की हवाओं में रोमांस है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आज आपका सबसे मुख्य काम है। अपने साथी से अपने प्यार जताने के लिए उसे किस आलिंगन फुल चॉकलेट या कोई खास उपहार दें। अपने साथी के साथ हर विचार शेयर करें। महान प्रेमी पैदा नहीं होते पर सीखकर अच्छा लवर बना जा सकता है। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी समय होने के साथ साथ कई सारे अफेयर्स भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। वैवाहिक संबंधों में पारिवारिक मुद्दे को लेकर कुछ तनाव रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। बात करते हैं करियर की। इस समय बिजनेस में एडवर्टाइज बढ़ाने से कार्य प्रणाली में सुधार होगा। मीडिया और मार्केटिंग संबंधित जानकारी हासिल करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर अतिरिक्त कार्यभार का तनाव बना रहेगा। नौकरी करियर और पैसा, इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन या बधाएं आपके प्रयासों को कमजोर करेगी जिससे प्रतिस्पर्धा की हानि हो सकती है। चिंता ना करें क्योंकि भविष्य में आपको वो प्राप्त होगा जिसकी कल्पना आप लंबे समय से कर रहे हैं। मेहनत का उचित फल मिलेगा। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे इजहार करना ना भूलें। इसके लिए आप आलिंगन चुम्बन या ईमेल का भी सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही आप काम को ना भूलें। आलस और सुस्ती से दूर रहें। खुद पर विश्वास व गर्व करें और अपने चरित्र को प्रदर्शित करें। ऐसा करने से जी स्वयं आपके पास आएगी। आज आतिथ्य परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे हैं तो लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपकी विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगी। सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं तो आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई छोटी चोटें भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम ना करें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।